देखो पहले ब्रेकफास्ट क्लास रहा मैं डिस्कस करते पहले माइनस आरएफ है कंप्लीट आवर है मतलब माइनस आरएफ है तो माइनस आरएफ है तो मो अनदर एग्जांपल नो छी जोड़ा कि सीएल बेंजीन ने हम लगा के सीएल एच सीएल सीएल का कौन करबो सो करबो माइनस आरएफ है कौन सो करबो माइनस आरएफ है माइनस आरएफ है ना को ग्रुप आबो माइनस आरएफ है सो करबो मो आगो तुमको बताई दो छी ना हमरो माइनस आर इफेक्ट शो करबो NO2 लेकिन जो ग्रुप व्हिच शोस माइनस आर इफेक्ट NO2 Cl aldehyde ग्रुप CHO कार्बोसिलिक ग्रुप ईस्टर ग्रुप अमाइड ग्रुप ए सब ग्रुप कौन शो करबो ना माइनस आर इफेक्ट शो करबो यदि हम देखिया जे गोटे कंजुगेट सिस्टम रे ए ग्रुप सब लागी छी ताले से हम कौन करबा माइनस आर इफेक्ट शो करबो देखिबो तो माइनस आर और माइनस इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहबा तो एमाने कोन करिवे ना एमाने कंजुगेट सिस्टम रो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करिवे कोन करिवे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करिवे जो प्लस आर इफेक्ट कोन करिवो ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवो जो हमरो प्लस आर और प्लस एन बोसन से कोन करिवो डोनेशन करिवो कोन करिवो इलेक्ट्रॉन डोनेशन करिवो वाड को ना टुवर्ड्स कंजुगेट सिस्टम वाड को कोन करिवो इलेक्ट्रॉन डोनेशन करिवो किता हम जो माइनस आर की माइनस एन बोती से कोन करिवो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करिवो इलेक्ट्रॉन withdrawing group कहबा हम इलेक्ट्रॉन को कहबा हम withdrawing group को माइनस एन को हम कहबा इलेक्ट्रॉन withdrawing group को प्लस एन इफेक्ट को हम कहबा इलेक्ट्रॉन releasing group को कहबा इलेक्ट्रॉन releasing group कहबा आउ माइनस एन को हम कहबा इलेक्ट्रॉन withdrawing group को तो ये जदी माइनस इफेक्ट माइनस एन ग्रुप लागी छी त से को करबो कंजुगेट सिस्टम आ इलेक्ट्रॉन को रिजर्व को टानबो इलेक्ट्रॉन माने जदी हमर रिंग रे कोन अछि ना माइनस आर इफेक्ट ग्रुप लागी छी ताले रिंग रु इलेक्ट्रॉन डा पार्ट को जीवो ग्रुप पार्ट को जीवो तो ए केस रे सीएन डा माइनस आर इफेक्ट शो करबा द्वारा हमे सीएन को लिख लिया यदि बेंजीन डिग्री रे सीएन लागिया तखन कोती सियानो बेंजीन को कहबा हमे सियानो बेंजीन तो ए केस रे कोन अछि ना ए पाई इलेक्ट्रॉन मूव करबो यड को जखनी मूव करबो ए कार्बन रे ऑलरेडी 4 बॉन्ड होई छी तो ये यड को शिफ्ट करबो को पाई यड शिफ्ट करबो हम जान छते कार्बन ऑफ के नाइट्रोजन डा मोर इलेक्ट्रॉन लेबि पाटो तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होबा द इलेक्ट्रॉन या को टानिबार कैपेसिटी अछि तो जते मूव करबो तो रिजोनेंस स्ट्रक्चर एटे कोन होबो ना देखो पहिले एटे कोन हला ना ए डबल बॉन्ड रे जो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन अछि पाई इलेक्ट्रॉन डा क्वाड को मूव करछि ना या को मूव करछि तो एटे कोन अछि सिंगल बॉन्ड कोन हि जीवो डबल बॉन्ड आ एटे जो थिला ट्रिपल बॉन्ड आ ट्रिपल बॉन्ड हेना रहइबो नाही तो गुटिए बॉन्ड कोन बजि ब्रेक हि जाइछि जेमति एटा हमर कार्बन चारटा बॉन्ड करबा दरकार देखो कार्बन पेले ए कार्बन चारटा बॉन्ड करै छी तो जे जा पोटे कोन होजि ना इलेक्ट्रॉन डा ए जे जो थिला ए कार्बन रे इलेक्ट्रॉन से आइ गेना थिला वर्तमान कोन हला ए का ए इलेक्ट्रॉन डा एथिक शिफ्ट थिला एथिक शिफ्ट हला माने ए कार्बन इलेक्ट्रॉन पाइला किंतु ए कार्बन किछि इलेक्ट्रॉन पाइला नाही जेत माने कोन आसीबो पॉजिटिव चार्ज आसीबो आ ऑलरेडी हमर एटे पाई बॉन्ड थिला तो ए जो पॉजिटिव चार्ज पड़े आसीला रिंग रे ए रिंग को स्टेबल करिया पाई ए पाई इलेक्ट्रॉन फुल को करिवो मूव करिवो जो कोनी मूव करिवो तो एटे कोन हबो रिजोनेंस स्ट्रक्चर ना एटे डबल बॉन्ड थिला ना ए पाई इलेक्ट्रॉन डा एटकी मूव करिया द्वारा कोन होइ जइबो एटे सिंगल बॉन्ड डा डबल बॉन्ड होइ जइबो जेतु इलेक्ट्रॉन डा एटकी शिफ्ट होउ छी कोन ना ए पॉजिटिव चार्ज डा कोन हबो न्यूट्रल होइ जइबो जेतु इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एटे बढी जइबो तो ए पॉजिटिव चार्ज कोन हबो न्यूट्रल हबो ना ए इलेक्ट्रॉन डा ए कार्बन पाइबो किंतु ए कार्बन किछ न पाइबा द्वारा ए कार्बन कोन होइ जइबो पॉजिटिव चार्ज तो एठे पुनी कोन हबो ना डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन माइनस थिला हमर सेइ पोलि पुनी ए पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करबा पाइ न्यूट्रलाइज करबा पाइ ए पाइ इलेक्ट्रॉन एठी शिफ्ट करिवो शिफ्ट करबा द्वारा कोन हबो ना हमको फाइनल स्ट्रक्चर को मिलिवो ना एठे कोन होइ जइबो ए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एठु आसीबा द्वारा इलेक्ट्रॉन एठी आसीबा द्वारा ए कोन हबो न्यूट्रल होइ जइबो ना एठे होइ जइबो सिंगल बॉन्ड आ डबल बॉन्ड होइ जइबो एठे ऑलरेडी हमर डबल बॉन्ड अछि ना ए इलेक्ट्रॉन ए जो दुटा इलेक्ट्रॉन एठे अछि दुटा इलेक्ट्रॉन गोडी गेला एठी शिफ्ट हेबा द्वारा ये कोन हला न्यूट्रल होइ गेला आ ए कार्बन इलेक्ट्रॉन पाइला किंतु ए कार्बन किछ इलेक्ट्रॉन पाइला नै सेतमे एठे कोन होइ जइबो पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन माइनस
तो ए टाइप रा कोण हुए ना माइनस आर इफेक्ट शो करे माइनस आर इफेक्ट रे कोण हुए ना रिंग रो ये गुटे कंजुगेट सिस्टम रो इलेक्ट्रॉन डा क्वाड को जाए ना ग्रुप पड को जाए माने ग्रुप डा कोण करे इलेक्ट्रॉन डा को विथड्रो करि दे कंजुगेट सिस्टम रो किंतु हमरो प्लस आर इफेक्ट रे कोण होतला ना ग्रुप रो कंजुगेट सिस्टम आड को इलेक्ट्रॉन डा माने डोनेशन होतला तो से हम बोलतले प्लस एम इफेक्ट से पे बाउते हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ माइनस एम इफेक्ट बा बोलते इलेक्ट्रॉन कोच ग्रुप ग्रुप आ ए ग्रुप सब शो करिवे कोन ना माइनस एम इफेक्ट ग्रुप शो करिवे ए माने इलेक्ट्रॉन कोन करिवे कंजुगेट सिस्टम रो ना निजर को विथड्रो करिवे सेई परि हम रेजोनेंस रे हम बतन देखिबा जे तारो एप्लीकेशन कोन एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट बतन हम पढिबा एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट तेन जाने इंडक्टिव इफेक्ट रे जन एप्लीकेशन पढ़ी थी ले हिंदी रेजोनेंस रहा ना एप्लीकेशन भी पढ़ी रहा तेन इंडक्टिव इफेक्ट हम कौन पढ़ते ले ना स्टेबल कैरेक्टर ऑफ कार्बो काटा है एड हिंदी हमें रेजोनेंस दे हम कौन देखियो स्टेबल कैरेक्टर स्टेबिलिटी कैरेक्टर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो काटा देखियो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो काटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो काटायन कहिला माने ना जति की रेजोनेंस स्ट्रक्चर हबो कार्बो काटायन में पिले हम कोन कहिथिली रेजोनेंस डिपर क्लास जो हमें यस्टरडे जो हम इंडक्टिव इफेक्ट बारे में डिस्कस किए थे ना कार्बो काटायन कहिला माने कार्बन ऊपर पॉजिटिव चार्ज पड़ासो को पड़ासो पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन ऊपर पॉजिटिव चार्ज आसीला तब हम कहते कार्बो काटायन माने या पाकर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अछ ना पॉजिटिव चार्ज पड़े आसे माने से कोन होय जे अनस्टेबल होय कोन जे अनस्टेबल होय जति भाई कोन चाहिबो ना रेजोनेंस ता कोन चाहिबो ना स्टेबल करिय पाई तो जति कि नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर हबो से कि कोन हबो स्टेबल हबो तो सेही परि ना हमें कहि पारिबा नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर इंक्रीजेस नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन इंक्रीजेस जति के रेजोनेंस स्ट्रक्चर हबो सेति के स्टेबल कैरेक्टर इंक्रीजेस हबो जेम कि फॉर एग्जांपल लेली मुगोनली एउटा रिंग लेली रिंग सिस्टम लेली ए रिंग सिस्टम रे कोन अछि ना लगाई देली CH2 प्लस एदे गोटे डबल बॉन्ड अछि आउट एरी जना रिंग सिस्टम नली जते दीटा डबल बॉन्ड अछि ता सहित CH2 प्लस आउट एरी स्ट्रक्चर नली तोडे थ्री पाई सिस्टम अछि ए केस रे कोन होउ जे ना एटा हमर कार्बन ऊपर पॉजिटिव चार्ज अछि एथे पॉजिटिव चार्ज एथे करि चार्ज ऑल कंपाउंड्स आर कोन कार्बो काटायन तो एक कार्बो काटन थिबा द्वारा ए कोन करियो स्टेबल ग्राफ पे चाहि परि जनास तरह तो ये कोन छि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज अछि तले एटा गोटे कंजुगेट सिस्टम डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के काम होया कोन कंजुगेट सिस्टम तो ए पाई इलेक्ट्रॉन यार को मूव करिवो मूव करिया द्वारा जा फले स्ट्रक्चर डा हमर कोन होबो रिजन स्ट्रक्चर ना या को ए जे जो पॉजिटिव चार्ज थिला से न्यूट्रल होबो से पॉजिटिव चार्ज कोन होइबो न्यूट्रल डबल बॉन्ड CH 2 होइबो पॉजिटिव चार्ज ना एथि पले आसीबो तो ए टाइप रो स्ट्रक्चर या को ए पॉजिटिव चार्ज को ये जाने को इलेक्ट्रॉन मूव करे को कोला ये को स्टेबल कोला एत पाइट को हला ना ये वन रिजन स्ट्रक्चर हला यदि ए केस रे हम देखिबा ए इलेक्ट्रॉन मूव करिवो ए इलेक्ट्रॉन मूव करिया द्वारा कोन हबो ना ए दे डबल बॉन्ड CH एडे पॉजिटिव चार्ज पर आसीबो एडे पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम रहइबो फोनी नेक्स्ट पर हबो ना ए पाई इलेक्ट्रॉन फर्दर फोनी एठी शिफ्ट करिवो फर्दर शिफ्ट करिया द्वारा कोन हबो ना एडे ना डबल बॉन्ड CH2 रहइबो एडे कोन हबो डबल बॉन्ड हे जइबो ये पॉजिटिव चार्ज हे जइबो ताले एडे कोन होतला हमरो गुटिए वन रीजन स्ट्रक्चर होतला किरे कोन होला नंबर ऑफ रीजन स्ट्रक्चर इंक्रीज हे गला तो फुनी एथि जदि हम देखिबा ना ये ठीक मूव करिवो या को स्टेबल करिया पाई फुनी फर्दर गुटे स्ट्रक्चर हबो फुनी ये फुनी जतरे एथि एथि कोन आसीबो पॉजिटिव ये पळेला माने एथि कोन पळे आसीबो पॉजिटिव चार्ज पळे आसीबो
पुनि फर्दर पुनि कोन हबो ए इलेक्ट्रॉन पुनि एठी के मूव करबो या पुस्ट एवं न्यूट्रलाइज करिया पई पुनि एठे उठे पॉजिटिव चार्ज आसीबो पुनि फर्दर पुनि कोन हबो ना एठे रिजोनेंस स्ट्रक्चर हबो ताले मोर नंबर ऑफ रिजोनेंस स्ट्रक्चर कोडे हबो ना एठे हबो ताले ए मोर नंबर ऑफ रिजोनेंस स्ट्रक्चर हबा द्वारा यार ए कार्बोकाटा न स्टेबल अधिक हबो सब कोड अधिक रिजोनेंस स्ट्रक्चर हबा द्वारा ए मोर स्टेबल हबो देन ए स्टेबल मोर स्टेबल हबो अब लास्ट ये लेस स्टेबल हबो तो एई पर हम देखिबा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकाटा सही बोली नेक्स्ट टाइम में डिस्कशन करिबा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बानियन सेकेंड एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बानियन कार्बानियन पहले मु कोन कहि दिली जे कार्बानियन पहले माने कार्बन ऊपर नेगेटिव चार्ज आसी नेगेटिव चार्ज अछि माने ये कोन अछि अनस्टेबल अछि कोन अछि अनस्टेबल से का द्वारा स्टेबल हो रिजोनेंस द्वारा एक केस रे भी हम कहि पारिबा जेति कि नंबर ऑफ रिजोनेंस स्ट्रक्चर इंक्रीजेस नंबर ऑफ रिजोनेंस स्ट्रक्चर इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बानियन कार्बानियन इंक्रीजेस जति कि रिजोनेंस स्ट्रक्चर हो सति कि कार्बानियन ना भी सति कि स्टेबल हो जेंति हमें फॉर एग्जांपल नबा एडे सी एच टू एनओ टू जहां नेगेटिव चार्ज अच्छी सी एच टू नेगेटिव चार्ज सी एच एनओ टू सी एच टू एट हमारा सी एच थ्री सी एच माइनस एनओ टू ना आम जानते एडे कोन अछि नेगेटिव चार्ज अछि ए नेगेटिव चार्ज जति कि न्यूट्रल हो से सेति कोन हो स्टेबल हो तो ए NO2 डाउटे कोन ना NO2 डाउटे माइनस आर इफेक्ट माने इलेक्ट्रॉन कोन करबो विथड्रॉ करबो तो NO2 का हम लिखि पारियो कोन डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस एडे प्लस तो ए नेगेटिव चार्ज का कोन हो ना ए को पले आसीबो आ नेगेटिव चार्ज जखन ए भी पले आसीबो ए डबल बॉन्ड को एंड को पलेबो जाफर रिजोनेंस स्ट्रक्चर का कोन हि जो एडे रिजोनेंस स्ट्रक्चर का हि जो CaH2 डबल बॉन्ड एन प्लस ए प्लस प्लस रहबो प्लस या को ए जो नेगेटिव चार्ज हो या को न्यूट्रल करबो न्यूट्रल करला पर फिर जो ए इलेक्ट्रॉन प्लस फिर पॉजिटिव चार्ज पड़े आसीबो तो एडे कोन हो ओ माइनस ए इज वो ओ माइनस तो एडे कोन होला रिजोनेंस स्ट्रक्चर अकर्स हैला किंतु ए केस रे देखियो जदी नेगेटिव चार्ज आमे याडे मूव करिबा याडे का मूव कर परिया कि एडे मूव होबनी एडे NO2 डा कोन शो करबो ओनली NO2 डा शो करबो माइनस आई इफेक्ट बो इफेक्ट शो करबो माइनस आई इफेक्ट शो करबो किंतु रिजोनेंस इफेक्ट शो कर पाइबो नाही कोन पाइ नाही दे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एडे कोन अछि कंजुगेट सिस्टम अछि कंजुगेट सिस्टम थिला द्वारा रिजोनेंस पॉसिबल हे पाइला किंतु एडे कोन अछि नेगेटिव ताबे कोन अछि एडे अछि सिंगल जो कोन अछि सिंगल बॉन्ड NO2 तो एडे रिजोनेंस स्ट्रक्चर हमरा हे पाइबो नाही जदी NO2 का जानछंती NO2 का बहुत इफेक्ट शो करे माइनस आई इफेक्ट तो माइनस आई इफेक्ट दिला कोन करबो इलेक्ट्रॉन पुल करबो तो ए देखो ना जी ना ए केस रे जदी हमें थर्ड केस देखिबा थर्ड केस स्ट्रक्चर डाल दे हम बनेबा ना CH3 CH माइनस सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O O माइनस ना ए दे कोन हबो ना ए रिजोनेंस हबो रिजोनेंस हबो ए केस कोन हो रिजोनेंस हे पाइबो ना नेगेटिविटा याडे जीवो ये ठीक करबो किंतु एई जान देखि वाले पुनी जो CH3 से तास तो ग्रुप लागि जे हम जान छते ऑल अल्काइल ग्रुप कोन शो करे प्लस आई इफेक्ट शो करे प्लस आई इफेक्ट रो काम कोन इलेक्ट्रॉन पुश करबो इलेक्ट्रॉन कोन करबो पुश करबो देखो ये कोन करू जी ना रिजोनेंस द्वारा नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करू जी पुनी ये कोन करू जी इलेक्ट्रॉन पुनी ताको दउ जी किंतु एई केस रे कोन हो जे ना रिजोनेंस हे पारो नाही एडे कोन हो जी ना रिजोनेंस हो जी तो आमे देखिबा जे ना आउटे कथा मन रखिबा ना फर्स्ट प्रायोरिटी आमे दबा रिजोनेंस इफेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी आबो आमे रिजोनेंस इफेक्ट देन दबा आमे इंडक्टिव इफेक्ट ना जोडे रिजोनेंस इफेक्ट फेलियर हो से केस से जाने आमे देखिया कोन इंडक्टिव इफेक्ट तो रिजोनेंस इफेक्ट मोर स्टेबल देन इंडक्टिव इफेक्ट तो ए केस रे रिजोनेंस इफेक्ट होतवारु ये कोन हो बेसी स्टेबल हो किंतु ए केस रे रिजोनेंस इफेक्ट न होतवारु ये कोन हो सबरु लिस्ट
स्टेबल हो किंतु एक केस रे रिजोनेंस हो जी रिजोनेंस सभा द्वारा कोन कोन हो जी रिजोनेंस द्वारा नेगेटिव चार्ज आ न्यूट्रल हो जी पुनी एको कर जी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढी दो जी पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़िया द्वारा या कंपैरिजन रे ये के अनस्टेबल हो किंतु बेसिस स्टेबल पड़ा हो एटा हो जेतु ए कोन हो जी रिजोनेंस हो जी ताको इलेक्ट्रॉन माने नेगेटिव डा टोटल कोन हो जी न्यूट्रलाइज हो जी किंतु एक केस रे नेगेटिव रिजोनेंस द्वारा न्यूट्रलाइज हो जी किंतु ये पुनी या को टिके इलेक्ट्रॉन दे हो जी तो जा पर टिके अनस्टेबल हो जी किंतु एक केस रे टोटल रिजोनेंस स्ट्रक्चर न होतुआ तो ये कोन हो टोटल अनस्टेबल माने सब लिस्ट स्टेबल हो।